नाज़रीन, कराची फेयर हॉल में अमरीकी कौंसल खाने के ज़ेर तमाम तकरीब का इनेकाद किया गया। अमरीका के सफ़ी डोनाल्ड ब्लूम ने कहा, फेयर हॉल तारीखी वरसा है। अमरीकी तआवुन से फेयर हॉल कराची की रहायशियों के लिए हमेशा खुला रहेगा। तफसीलात कराची ब्यूरो की इस रिपोर्ट में। हॉल के तहफ़ और बहाली के लिए अमरीका के कौंसल खाने की जानिब से मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए अमरीका के सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम का कहना था कि 3 साल पहले हमने सिंध एक्सप्लोरेशन एंड एडवेंचर सोसाइटी के साथ शराकत दारी की थी, जिसका मकसद इस जगह की दोबारा असल हालत में बहाली था। वज़ीर सकाफ़त ज़ुल्फ़िकार अली शाह का कहना था कि डोनाल्ड ब्लूम और अमरीका के कौंसल जनरल का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने सिंध हुकूमत के साथ हमेशा तआवुन किया है। डोनाल्ड ब्लूम साहब हमेशा सिंध हुकूमत के साथ तआवुन करते हैं। आप सब ने मिलकर ये रेस्टोरेट किया है अपना फेयर हॉल को, तो इसमें तो एक बहुत अच्छा और इंशाल्लाह ताला हमारा डिपार्टमेंट, कल्चर डिपार्टमेंट, जो लाइब्रेरी सेक्शन है हमारा, वो भी इस चीज़ को आपके साथ। अमरीका के सफीर डोनरियर हॉल पहुंचने पर ज़ुल्फ़िकार अली शाह ने इस्तकबाल किया। उन्हें तारीखी इमारत के मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा कराया गया। इस मौके पर सूबाई वजीर की जानिब से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम को फेयर हॉल का मॉडल भी पेश किया गया। कराची आर्ट